गुड इवनिंग। हाँ देखिए, आज संडे का दिन है, हमारे बच्चे लोग चिकन चिली खाएंगे बोल रहे थे, तो मैं चिकन चिली के लिए ये मीट लेके आई थी। अभी मैं सोची थी कि वीडियो ना हो, मैं गलती से भूल गई गाइस। तो ये देखिए चिकन को मैंने क्या क्या किया, अब मैं बता रही हूँ। पहले मैंने चिकन को धोवा, धुलाने के बाद अरे यहाँ पे चिकन जल रहा है, एक मिनट रुक जा। चिकन को मैंने धुलाया, धुला के मैंने उसको अभी उसमें क्या क्या हमने मिक्स किए, ये कॉर्नफ्लोर है, कॉर्नफ्लोर, उसके बाद इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट, उसके बाद हल्का नमक, उसके बाद और मैंने ये सोया सॉस डाला, विनेगर डाला मैंने, उसके बाद मैंने थोड़ी विनेगर डाला मैंने, उसके बाद ऐसे करके एक अंडा भी डाला मैंने, उसको वो करके मिक्स करके मैंने आधा घंटा के लिए इसको मैंने बाउल में एक रख दिए थे, ठीक है। फिर आधा घंटा के बाद मैंने इसको ड्राई फ्राई कर लिए हैं। अभी देखिए ये लास्ट होने वाला नहीं है, देखिए गाइस ये भी अभी ड्राई फ्राई हो गई, ये लास्ट है, अभी इसको भी निकाल देते हैं। हमारा मिक्स फ्राई हो गया है चिकन चिली के लिए, अब मैं क्या कर, देखिए गाइस मीट तो फ्राई हो चुका, अब मैं इस कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं। तेल डालने के बाद इधर देखो ये शिमला मिर्च, ऑनियन और ये लहसुन अदरक बारीक कटा हुआ है, और इसमें मैंने टोमेटो सॉस, विनेगर और सोया सॉस को ऐसे थोड़ा पेस्ट बना के रखी हूँ, इसको भी डालेंगे। ये लहसुन और अदरक हम तेल में डाल दिए हैं, अब इसको थोड़ा ब्राउन होने के बाद मैं इसमें ये प्याज डालूंगी। हाँ ये प्याज डाल दिए, लहसुन अदरक का बारीक कटा हुआ डाल दिए, प्याज, उसके बाद शिमला मिर्च डाल दिए हैं, अब टमाटर को भी डाल देती हूँ, हल्का नमक डालेंगे, ये नमक भी थोड़ा डाल दिए हैं, अंदर मीठा कर रहे हैं। इसमें थोड़ा गोल मिर्च भी डाल दिया है। ये देखिए ये सॉस को डाल दिए हैं, ये दोनों मिलकर हम ये शिमला मिर्च, प्याज, टोमेटो और ये जो पेस्ट बनाए थे सबको हम पका लिए हैं। अब मैं चिकन डाल देती हूँ, थोड़ा सा चीनी डाल देंगे, हाँ 5 मिनट तक इसको हम थोड़ा अच्छा से पकने देंगे, उसके बाद गर्मा गर्म खाएंगे हम लोग। पता नहीं पहली बार मैं चिकन चिल्ली बना रही हूँ, टेस्टी हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद गर्मा गर्म चिकन चिल्ली हम लोग खाएंगे, अब बनने वाली है। बच्चे लोग भी बेसर पहले से इंतजार कर रहे हैं कि मम्मी चिकन चिल्ली बन गया है, बन गया या नहीं हुआ है, तो हम बोले रुको अभी थोड़ा रुक जाओ 5 मिनट्स। देखिए गाइस अब मेरा चिकन चिल्ली रेडी हो चुका, अब मैं इसको मैं हॉटकेस में डाल। देखिए गाइस मेरा चिकन चिल्ली तैयार हो गया, अब बच्चे लोग खाने के लिए पूरा इंतजार कर रहे हैं, खाना निकालते हैं, खाना देने जा रहे हैं गाइस। ओके गाइस आप लोग भी अगर खाएंगे तो आप लोग भी आ जाइए, अभी भी चिकन चिल्ली खिला देते हैं। ओके गाइस बहुत टेस्टी लग रहा है। बहुत टेस्टी हुआ चिकन चिल्ली, बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट प्रयोग किया बोलो, पहली बार मैंने चिकन चिल्ली बनाई लेकिन बहुत टेस्टी है। ओके गाइस गुड नाइट, शुभ रात्रि, आप लोग भी खाना अच्छा से खाइए, हम भी अभी खाना खाने जा रहे हैं, बाय।